प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रुटियों का संयोग। कई दिनों से चल रही है टॉपिक। इसमें हम लोगों ने योग संक्रिया के लिए त्रुटि निकाले, अंतर के लिए त्रुटि निकाले। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणन के लिए हम त्रुटि निकालेंगे। आपेक्षिक त्रुटि, अधिकतम त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो ठीक उसी तरह से जैसे अन्य संक्रिया के लिए हम लोगों ने निकाला, वो चीजें हमने पहले ही लिख दिया है। मान ले रहे हैं कि माना कोई भौतिक राशि x दो मानों a तथा b पर निर्भर करती है। यदि a के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a और b के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b हो, तब x के मान में निरपेक्ष परिणामी निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स हो जाएगी। तब ए का मान हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मान होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। प्लस माइनस क्यों लिखा गया कि हम वास्तविक मान से कम मापन भी कर सकते हैं, अधिक मापन भी कर सकते हैं। यदि हमारा कम मापन हुआ है तो उसमें प्लस करेंगे तब आएगा, ज्यादा मापन किए तो माइनस करेंगे तब आएगा। तो x का मान यह हो जाएगा। अब मान लें कि माना x कुछ इस प्रकार से है, x बराबर a इंटू बी। x बराबर है a इंटू बी, तब हम ये मान उसमें रखें तो हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। गुणा करें हम तो ए का गुणा पहले इसमें करें, ये हो जाएगा ए इंटू बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, फिर इसको उठाएं यह हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी यह हो गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर। ध्यान दें, हम समीकरण एक से ए इंटू बी का मान रखें, का मान रखने पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा। इसके जगह पर हम लिखेंगे ए इंटू बी बराबर एक्स, एक्स प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब ये देखिए, एक्स को इधर लाएंगे तो एक्स से ये एक्स कट जाएगा। हम अब आपेक्षिक त्रुटि निकालें। आपेक्षिक, ध्यान दीजिए, कटने के बाद जो हमारा समीकरण बन जा रहा है प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, यह हमारा त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि का व्यंजक आ गया। अब हम अगर आपेक्षिक त्रुटि की बात करें, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि में हम क्या करते हैं, जो त्रुटि आई है इसमें एक्स से भाग दे देते हैं।
तो आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी प्लस आपेक्षिक त्रुटि के लिए यह हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी बटा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी बटा एक्स और यह हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बटा एक्स। अब हम पुनः एक्स बराबर ए बी रखें, अगर इधर का मान ऐसे रहने देंगे, इधर एक्स की जगह पर ए बी रखेंगे समीकरण एक से, तो यहां लिखेंगे समीकरण एक से एक्स का मान रखने पर ध्यान दीजिए, इधर हम मिटा दे रहे हैं, तो हम एक्स का मान केवल दाहिने पक्ष में रखेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बटा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी डेल्टा ए इंटू बी बटा ए बी और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बटा ए बी। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए से ए कट जाएगा और यहाँ बी से बी कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर, इसको हम पहले लिखें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए इंटू डेल्टा बी बटा बी, ये हो गया। ध्यान दीजिए डेल्टा ए बटा ए या डेल्टा बी बटा बी, डेल्टा ए बटा ए और डेल्टा बी बटा बी ये काफी छोटी राशि है, छोटी राशि है इसलिए इनका गुणनफल और भी छोटा होगा, इसलिए इसकी उपेक्षा की जा सकती है। हम यहाँ समझ भी सकते हैं कि छोटी कैसे है, मान लीजिए ए बराबर है 100 और डेल्टा ए जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि है 5 की आ रही है, तो डेल्टा ए बटा ए करें ये हो जाएगा 100 बटा 5 बटा 100, 5 बटा 100 ये हो जाएगा आपका 0.05, 0.05 काफी छोटी राशि है, तो छोटी राशियों का गुणनफल और भी छोटा होता है इसलिए हम इसको उपेक्षा कर देंगे। डेल्टा ए बटे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बटा बी बहुत छोटी राशि है इसलिए इसे उपेक्षित करने पर, उपेक्षित कर दें, उपेक्षित कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी, इसको हम छोड़ दिए उपेक्षित कर दिए, तो ये हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ ये हमारा समीकरण मिल गया किसका, आपेक्षिक त्रुटि का। अब हम अधिकतम त्रुटि की बात करें,
अधिकतम त्रुटि के लिए, अधिकतम त्रुटि के लिए क्या होगा? ए और बी के मान हम धनात्मक लेंगे तो अब हमको त्रुटि अधिकतम आएगी। अधिकतम त्रुटि के लिए हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा एक्स बराबर डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। ये अधिकतम त्रुटि के लिए व्यंजक आ गया। अब हम यदि प्रतिशत त्रुटि की बात करें, प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो इसी का 100 से गुणा कर देते हैं। प्रतिशत त्रुटि अगर निकालें, प्रतिशत त्रुटि ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बटा एक्स गुणे 100, 100% यह हो गया। या डेल्टा एक्स बटा एक्स का मान रख दें तो हो गया डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी गुणे 100%। ये प्रतिशत त्रुटि आ गई। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने अध्ययन किया गुणन के लिए त्रुटियां, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और अधिकतम त्रुटि। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग के लिए त्रुटि। धन्यवाद।